प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व की जाए ताकि स्टूडेंट जल्दी अप्लाई कर सके एंड उनकी सीट्स मिल सके। वो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही आती, जैसे गाइडलाइंस को लेकर अपडेट थी, बीच में इनका नोटिस आया था, जब आप इनकी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर नोटिस आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया इंस्टाग्राम के ऊपर भी, बाकी कमेंट्स भी आए, कुछ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी मास से रिलेटेड। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट, जो हमारा स्थित है हिमाचल के अंदर, मनाली के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, बाकी इसके सब सेंटर एंड रीजनल सेंटर भी हैं जो अलग अलग जगह पे हिमाचल के अंदर फैले हुए हैं। तो दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वेबसाइट से रिलेटेड एंड इनके कुछ क्वायरीज हैं उससे रिलेटेड। तो उसके ऊपर दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से या उनके स्टाफ से कि ये चीजें प्लीज ट्राई की जाए कि जल्दी सॉल्व हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी यानी अविमास से जाके कोर्स करें, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करें या बाकी सारे कोर्सेज, एडवेंचर कोर्स वगैरह, वो सारी चीजें वहां से करें। तो काफी एक अच्छा इमेज बना हुआ है अविमास का स्टूडेंट्स की नजरों में, तो मैं चाहूंगा दोस्तों उसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, पहली प्रॉब्लम जो है जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है, एक्चुअली वेबसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट को बहुत फेस करनी पड़ रही है, कि अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। सीट्स वहां पे दिखा रही हैं कि खाली हैं, बट उनके फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे। और इसके अलावा दोस्तों, स्टूडेंट्स ने इसे पूछा तो मैंने उन्हें एक सजेशन दिया था कि आप एक बार मेल करके देखिए, तो मेल का भी रिप्लाई किया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स का लगभग सेम है कि वेबसाइट अभी बंद पड़ी है। तो हो सकता है दोस्तों कि काम चल रहा हो, बट अगर नहीं चल रहा हो तो रिमाइंडर एक बार कराना चाहूंगा कि हो प्लीज इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व की जाए ताकि स्टूडेंट जल्दी अप्लाई कर सके एंड उनकी सीट्स मिल सके। दोस्तों, जो न्यूली माउंटेनियर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका बीएमसी यानी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करना या एडवेंचर कोर्स करना, जिससे एटलीस्ट एडवेंचर की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आप तक पहुंच सके, माउंटेनिंग की बेसिक नॉलेज आप तक पहुंच सके। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू अविमास स्टाफ, प्लीज इस चीज को जल्दी ठीक कर सके, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। एक्चुअली दोस्तों, लास्ट ईयर मैं भी फॉर्म भर रहा था अपना बीएमसी का। अभी आपको पता है, जैसे कि मैं रिसेंटली बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, मैंने कोर्स किया था रीजनल माउंटेनिंग सेंटर धर्मशाला से, तो उसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज चेक जरूर करिएगा। तो लास्ट टाइम भी मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी वेबसाइट को लेके ही, कि मैं फॉर्म भर रहा था एंड फिल नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा दोस्तों, जो इनका बैंक अकाउंट है जस्ट अकाउंट में, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मैंने उन्हें सजेशन दिया था कि आप ऑनलाइन पेमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जाके डीडी करवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट करा सकते हैं और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बट वो तो ठीक है, बट अब जैसे कि आपको पता है कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन पेमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कि ऐसा बैंक अकाउंट हो या कोई अगर बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्लीज ऑनलाइन पेमेंट कर सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे QR दे सकते हैं या कोई मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट उन्हें कर सके। इसके अलावा दोस्तों, आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स से। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि वेबसाइट के ऊपर ही जो इनकी अपडेट्स है, मैक्सिमम जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की अपडेट्स जो है वो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही आती, जैसे गाइडलाइंस को लेकर अपडेट थी, बीच में इनका नोटिस आया था, जब आप इनकी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर नोटिस आता है। लास्ट जो 72 आवर्स RT-PCR टेस्ट है या उसके अलावा स्लैश में वो लिखा गया है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी है। तो वैक्सीनेशन दोस्तों हो रही है, अब बूस्टर डोज भी आने लग गया है, तो उस चीज के लिहाज से और भी अपडेट जो आने वाली है कोर्सेज से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 से 11 इनके सब सेंटर्स हैं या रीजनल सेंटर्स भी आप बोल सकते हैं हिमाचल के अंदर, जो इनकी वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। इनकी वेबसाइट पे भी अगर आप चेक करते हैं तो उसमें ऐसा मेंशन किया गया है। हालांकि दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि 9 सब सेंटर्स हैं इनके, तो हो सकता है अपडेट की हो, तो वेबसाइट अभी तक अपडेट इनकी नहीं हो पाई है, तो आई थिंक वो सेम वेबसाइट वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया अकाउंट प्लीज अपना बनाए ऑफिशियल, जिसके तहत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके कोर्सेज से रिलेटेड या जो भी कोर्सेज आपके आने वाले हैं अलग अलग सब सेंटर से रिलेटेड। तो उस चीज को लेके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन तीनों प्रॉब्लम्स का
जरूर जल्दी समाधान करें। बाकी मैं ट्रेनिंग के लिहाज से बोलना चाहूंगा, जो अभी मास के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं एंड स्टाफ होता है, काफी आपको सपोर्ट करते हैं एंड काफी अच्छे से आपको एक एक चीज बताते हैं। जैसे मैं खुद करके आया हूँ कोर्स, तो रविंदर सर थे, इसके अलावा मनोज सर थे, इसके अलावा दोस्तों अनुजा मैम थी या किरण मैम थी, तो इन सब ने काफी सपोर्ट किया था एंड बहुत सारी चीजें जो है हमें सीखने को मिली थी कोर्स के दौरान। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो अभी मास के किसी स्टाफ तक पहुंचा सके या अभी मास का कोई स्टाफ देख रहा होगा, तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, इसका फॉलो प्लीज कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स की जो आगे माउंटेनिंग कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, माउंटेनिंग में इंटरेस्टेड है, वो जल्दी से जल्दी अपने कोर्सेज कर सके एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।